और इस वक्त न्यूज वन इंडिया पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहराइच के फकरपुर से चौथी बार ब्लॉक प्रमुख रणवीर सिंह मुन्ना, जो इस बार सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रणवीर जी, आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार विकास का आपका एजेंडा क्या है? विकास का एजेंडा तो ये जो अमोह का सिस्टम है तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा ये था कि हम पिछले 15 साल रहे तो जनता के बीच में बराबर रहे हैं और जनता की सेवा की। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है, विकास तो हर कोई कराता है लेकिन जनता के बीच में जो जुड़ा रहता है उसका ये है कि बेनिफिट अलग मिलता है। तो हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता का हर संभव प्रयास करते हैं, हर गरीब किसान मजदूर का सहयोग करते हैं। तो हमारा तो मेन मुद्दा यही रहता है। बाकी विकास तो जब से देश आजाद हुआ है तब से हर कोई विकास ही कर रहा है जी। अगर हम समस्याओं की बात करें तो आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो इस बार आपके फोकस में होंगी? क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत मझारा तोपली है और मझारा तोपली में जबरदस्त कटान चल रही है और शासन को कई बार लिखा पड़ी भी की गई लेकिन इस बार अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो गरीब आदमी जो है वहां से उनके घर कट गए। बाकी वहाँ की जो जनसंख्या है बहुत बड़ी गांव सभा है मेरी और करीब 25,000 की आबादी है उसमें। तो सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि उस मझारा तोपली को जो कटान प्रभावित क्षेत्र है जहाँ कटान हो रही है बराबर, डीएम साहब ने भी देखा है, डीएम साहब ने कुछ प्रयास किया भी था, बाकी हमारे प्रभारी मंत्री जनपद के हैं हमारे, उनको भी हमने पत्र दिया और हम अपने सभी नेताओं को भी पत्र दिया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि बहुत ही ज्वलंत समस्या है और उसका निराकरण अगर नहीं होता है तो कई हजार बीघे जमीन तो जा ही रही है लेकिन जिस तरीके से लोगों के घर कट रहे हैं, बरसात के महीने में वो तिरपाल के नीचे रहने के लिए विवश हैं, उससे निजात दिलाना बहुत ही आवश्यक है। तो आपके चैनल के माध्यम से तो मांग कर रहे हैं सरकार से भी कि इस पे जरूर विचार हो और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर किसी वरिष्ठ अधिकारी, सरकार में शामिल किसी मंत्री से आपकी कोई बातचीत? जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम लगा था फकरपुर ब्लॉक में, हमने अपने प्रभारी मंत्री जी को भी हमारे वहाँ मझारा तोपली के काफी लोग आए थे तो एक हम लोगों ने लिखित रूप से उनको दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई पे शुरू हो जाएगी लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी देखा था, पूर्व के जिलाधिकारी महोदय ने भी देखा था तो कुछ प्रयास हुआ लेकिन वो कोई प्रयास सफल नहीं हुआ जी। नहीं, ये तो एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर एक बड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चाहिए क्योंकि आप रिकॉर्ड मत से जीते हैं, इसका मतलब आप पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एतबार किया है, आप पे भरोसा किया है। जब आप चुनाव में गए थे तो आपने कुछ वायदे किए कि अब आप ब्लॉक प्रमुख हो चुके हैं तो आपने कुछ गोल रखा होगा कि अगले 6 महीने में मुझे इन कामों को तो पूरा कर देना है, वो काम कौन से हैं? सबसे मेन चीज ये है कि जो हमारे गांव देहात में जो संपर्क मार्ग हैं, जगह जगह जहां पर हम जहां भी जल भराव होता था, मैं सबसे पहले चुनाव के पीरियड में चूंकि बरसात के समय में चुनाव हुए तो लोगों ने दिखाया भी और हमने आश्वासन भी दिया कि हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हम 6-7 रोड ऐसी थी जहाँ पे काफी पानी भर जाता था, लोगों का आवागमन बाधित हो जाता था। सबसे पहले हमने संबंधित विभाग जो अगर पीडब्ल्यूडी में रहा है तो उनके अधिकारियों से संपर्क किया, उसमें रोडे डलवाए, लाबिस डलवाई गई। तो सबसे जो ज्वलंत समस्या है बरसात में जहां पर आवागमन बाधित था
उसको हमने चालू करा दिया। ठीक है, बाकी बरसात समाप्त तो हो रही है तो जो गांव के नाली खड़ंजे की समस्या है बाद में देखी जाएगी। जी चलिए, रणवीर सिंह मुन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने जो प्लान अपना बताया है आप उसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जनता ने आपको बहुमत देकर चुना है और आपको ब्लॉक प्रमुख बनाया है और रिकॉर्ड मत से आप जीते हैं, इसलिए जनता की उम्मीदें भी आपसे बढ़ गई होंगी।